दोस्तों आज असी सिख इतिहास विच 23 जून के दिन हुई घटनावां दा चर्चा करांगे। सब तो पहला साढ़े कोल 1946 की घटना है, जदों 23 जून 1946 के दिन लॉर्ड एटली ने बयान देंदिया कहा कि मैं सिखां नूं वीटो का हक नहीं दे सकता। गल इस तरह सी कि 16 जून 1946 के दिन कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की सी कि भारत जिहड़ा है उस नूं दो हिस्सियां च वंड के इत्थे सरकारां बना दित्तियां जाण, ए ते बी विच, बी हिस्सा जिहड़ा सी पंजाब सिंध पख्तूनिस्तान ते बलूचिस्तान सन। पख्तूनिस्तान नूं अजकल पख्तूनवा कहिंदे आ, चार सूबे हन पाकिस्तान दे। तो ए ते बी ग्रुप विच वंड दित्ता जावे ते इत्थों दे लोक अपनियां सरकारां चुण के बना लैण। हुण बी ग्रुप दा मतलब सी मुसलमानां दा इलाका पाकिस्तान ते ए सी हिंदुस्तान ते विचकार सिखां दा। हालांकि कैबिनेट मिशन ने मन्निया सी वी सिख जिहड़े तीजी धिर ने ते इहनां दा वी जिहड़ा हिस्सा बराबर दा बनदा, पर जदों फैसला कीता गया ते इहदे च तीजा जिहड़ा सी ब्लॉक कोई नहीं बनाया गया, ए ते बी बनाए सी, कोई नहीं बनाया गया। इहदे नाल ही वायसराय ने ऐलान किया भी असीं इंटरिम गौरमेंट बनावांगे जिहड़ी कि फिलहाल ए ते बी दोनों नूं इकट्ठियां चलाएगी। इस गौरमेंट विच 6 हिंदू सन, कांग्रेस पार्टी दे 5 जिहड़े सन उह मुसलमान होणे सन, एक सिख होना सी, एक पारसी, एक भारतीय ईसाई जिहड़ा है ये इसके मैंबर बनने सन। तो यह गौरमेंट बनी सी कैबिनेट जिहड़ी सी इंटरिम गौरमेंट, तो इंटरिम गौरमेंट दे वास्ते सिखां ने शामिल होने का पहला फैसला कर लिया, तो बलदेव सिंह नूं अपना नुमाइंदा चुन लिया। पर जदों सिखां दी मीटिंग हुई इन्हां दी नुमाइंदियां दी 22 जून 1946 के दिन, तो उस पंथक प्रतिनिधि बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड किया गया भी सिखां नूं कोई खास हक नहीं दिते गए, तो सिख जिहड़े ने मुसलमानां दी जिहड़ी है उन्हां दी जिहड़ी रहण दे उत्ते रह जाणगे, तो इस करके उन्हां वास्ते कोई हक ना आउण करके बड़े अगों मुश्किल आउण दे आसार हन। तो कैबिनेट मिशन ने आप भी मन्निया भी सिख जिहड़े ने उन्हां नाल ज़्यादती हुई है। पर जदों 22 दी मीटिंग विच फैसला किया गया पंथक प्रतिनिधि बोर्ड वालों के असी कैबिनेट मिशन शामिल नहीं होंगे क्योंकि सिखा का ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि अंग्रेज रख सकते सन कि रावी तो लैके घग्गर तक का जिहड़ा इलाका जो उसनू सी जिहड़ा जोन रख सकते सन, जिहड़ा कि सिखा का जोन बन सकता सीगा। तो खैर जदों उन्होंने 22 तारीख नूं अंतरिम सरकार जिहड़ी इंटरिम गवर्नमेंट दे बाइकाट का ऐलान किया, तो अगले दिन लॉर्ड एटली ने इस दे उत्ते जवाब विच बयान दिंदिया कहा, रिएक्शन करदिया कहा कि मैं सिखां नूं वीटो का हक नहीं दे सकता, तो कैबिनेट मिशन दी सिफारशां जिहड़ियां हैं वह सिखां की मर्जी मुताबक हुण नहीं बदल सकता। 1984 की 23 जून की घटना है कि इंदिरा गांधी उस दिन दरबार साहब आई है। सानू पता है कि 4 से 6 जून 1984 के दिन दरबार साहब से हमला करके भारतीय फौज ने जिहड़ा बुरी तरह तबाह कर दिता सीगा उस अकाल तख्त की इमारत को खास करके, और जिहड़ा हरमन दरबार साहब का अंदरला हिस्सा है वह 350 तो वध जिहड़ियां गोलियां के निशान सन, सारे पासे तबाही का मंजर नजर आता सी। 8 जून के दिन जैल सिंह भी जाके उत्थे सब कुछ देख चुका सीगा भी किस तरह फौज ने तबाही की है, और अपने अखी देखने के बावजूद उसनों कोई जिहड़ा है जरा भी जज्बात वह नहीं हिंदे भी मैं अस्तीफा ही दे दिया तो सिखां च अपना नाम दोबारा कायम कर लवां, चुप करके एक यात्रु जिस तरह का आके वेख के अपनी देख। असल च लोग ये कहते सन भी वह तो देखना है भी अपनी फौज ने किड्डी वड्डी कामयाबी हासिल की है, और सच्ची गल है कि उसने बाद फौजियों इनाम भी दिते, तरक्कियां भी दिखाई और मैडल भी दिते हैं भी उन्होंने बड़े व्डे जे कमाल के कारनामे अंजाम किए हैं। तो सिखां विच रोह उहदे खिलाफ बहुत फैलिया सीगा जदों दरबार साहब आया है, तो पटने के सुरिंदर सिंह रागी ने उहदे वास्ते शब्द जिहड़ा पढ़िया जो उत्थे कीर्तन कीता है उसी कुत्ता राज बहादी आ फिर चक्की चट्टे। तो लोगों के रोह नूं वेख के किसी ने इंदिरा गांधी नूं सलाह दित्ती कि तू भी दरबार साहब जाके रस्मी तौर पर मत्था टेकन दी कारवाई कर, हो सकता भी सिखां दे विच थोड़ा जिहा जिहड़ा इहदे नाल धीरे जावे। सो 23 जून 1984 के दिन इंदिरा गांधी जी दरबार साहब आई है, वो फौज के वे वे जरनैल सन, कुलदीप बरैड वगैरह, सुंदर जी तो वैद्या, और उस एक होर गल है भी ग्रंथी ज्ञानी कृपाल सिंह साहब सिंह जड़े ने ज्ञानी कृपाल सिंह अकाल तख्त का मुख सेवादार से अपने उन्हें जथेदार कहता है, ये वही शख्स है जिसने अकाल तख्त के तबाही के बाद टीवी से बयान देंदे कि भी कोठा साहब ठीक ठाक है, अकाल तख्त में जरा कोई नुकसान पहुंचा, जरा कोई नुकसान किया उसने। ये जो दोनों ने जिहड़े इंदिरा गांधी के आले दुआले फिरते रहे तो उसकी चापलूसी करते रहे, बाद कृपाल सिंह इंदिरा साहिब सिंह मारन की कोशिश भी की गई और उन्होंने गोलियां भी चलाईया गई, उन्होंने भारत सरकार दी ने वधिया तो वधिया मैडिकल हैल्प दे के बचा लिया। कृपाल सिंह दो बारी हमला होया, साहिब सिंह एक बारी होया। तो
23 जून में इंदिरा गांधी जी है ये सारा कुछ देखने वास्ते दरबार साहब आई है। ये घटना 23 जून 1984 की है। 23 जून की एक होर घटना है जी, दुखदाई घटना है कि कनेडा तो जिहड़ा एयर इंडिया का जहाज आ रहा है, कनिष्क जहाज, वह नाम कनिष्क सीगा, वह एयर इंडिया का जहाज जिहड़ा है कनेडा तो जिहड़ा दिल्ली आ रहा सीगा, उस नूं बंब रख के जहाज नूं उड़ा दिता गया और इहदे नाल 300 तों वध जिहड़े लोक जिहड़े ने वह मारे गए सन। इस केस विच कुछ बंदे गिरफ्तार भी किए गए सन, जिन्हां च रिपदुमर सिंह मलक, अजैब सिंह बागड़ी ते इंदरजीत सिंह रियात ने। रिपदुमर सिंह मलक ते अजैब सिंह बागड़ी सबूतां दी अनहोंद करके घाट करके उन्हां नूं बरी कर दिता गया ते इंदरजीत सिंह रियात नूं कुछ साल वास्ते कैद किया गया। उसने अपनी जिंदगी का बहुत वड्डा हिस्सा जिहड़ा है वह कनेडा की कैद विच कटिया। और हालांकि उसने कहा गया कि उतरविंदर सिंह के खिलाफ या किसी होर के खिलाफ बयान दे देवे तो उसकी सज़ा घट की जाती, पर उसने गद्दारी करन तो ना कर दिती ते पूरी की पूरी सज़ा भुगतन तो बाद रिहा होया। इस केस 350 लोग मारे गए सन और यह कहा जाता भी इस केस का यह एक्शन जिहड़ा सी मुख्य तौर पर इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन ते बबर खालसा का सी। इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन का मुखी उसे लखबीर सिंह सी, जसबीर सिंह रोडे जिहड़ा राह दा अजे कल एजेंट बनिया फिरदा है उसका भरा सीगा, ते वह अजकल पाकिस्तान च विद फैमिली इन्ने साल तो पाकिस्तान च बैठा है। हालांकि जसबीर सिंह रोडे का भरा जिहड़ा राह दे नाल मिले होया है, पर इसके बावजूद वह भारत नहीं आ रहा क्योंकि उसनों डर है कि उसनों गिरफ्तार किया जाएगा तो उसते उसनों सजा दी जाएगी। इस तरह ही होर भी बहुत सारे लोग जिहड़े ने पाकिस्तान च बैठे ने, जिन्हें प्रवीर सिंह पंजवाड़ है, महंगा सिंह है बबर खालसा का, वधावा सिंह बबर खालसा का, यह लोग इस करके नहीं आते भी इतने जे करा गया तो इन्हों टॉर्चर करके नकली मुकाबले शहीद कर दिया जाएगा। सो लखबीर सिंह उत्थे रह रहे हैं तो जथेदार तरविंदर सिंह जिहड़ा है उसनों भी गिरफ़्तार किया गया इस केस से। बाद च वह जिहड़ा उत्थों पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान च आने तो बाद भारत आ के उसने 1992 नकली मुकाबला बना के शहीद किया गया। एक चेते रहे भी जिथे कनिष्क जहाज की गल हुई है उत्थे एक होर घटना भी हुई सी, वो सी ये भी जिहड़ी घटना है 1986 की है, 85 का सी जहाज उड़ाना, यह 86 की घटना है। 1986 की 23 जून जिहड़ियां गिरफ्तारियां हुई हैं वो सी भारत की पार्लीमेंट उड़ाने की साजिश है। ये साजिश के हेठ जिहड़े बंदे गिरफ्तार किए गए आ उन्हें जथेदार तरविंदर सिंह, रामपाल सिंह ढिल्लों, सरमुख सिंह, साधु सिंह थियाड़ा, तेजिंदर सिंह, दलजीत सिंह देओल, अजैब सिंह बागड़ी, हालैंड तो भुपिंदर सिंह, ये सारे पहला तो जमानता से रिहा होए पर फिर सबूतों की अनहोंद करके यह सारियां नूं जिहड़ा रिहा कर दिता गया। तो जिहड़े जिन्हां ते मुकदमा चलाया गया वो जिहड़े सबूतों की अनहोंद करके बरी हो गए। इस तो बाद 23 जून 1986 की घटना है, जिस तरह असं जानते हैं कि 84 तो बाद 1982 तो बाद ही CRPF BSF ने आके पंजाब में डेरा डाले से सारे पास इन्हों कंपनियां बटालियन ऑफ इंडिया सर, इस खास करके CRPF जी है वह सिखा के नाल दुश्मनी में मशहूर मनी गई सी। जदों कि हिंदू मुजाहरा करते तो नाल चलती सी, किसी हिंदू को कुछ नहीं सी कहा जाता, जो मर्जी वह करी जान, तो जो कि सिख मुजाहरा करते तो सिखा झूठे दोषियों गिरफ़्तार कर देता सी। तो 23 जून 1986 के दिन अंबाले हिंदुओं ने सिखा की मार कुटाई भी की, 5 दुकाना साड़ दित्तियां। इंज जगाधरी में एक सिख सुरजीत सिंह कुट मार के बुरी तरह जख्मी किया गया। ये CRPF उत्थे भी कायम सी पर उन्होंने या पुलिस ने किसी गिरफ्तार तक नहीं किया। फिर साढ़े कोल नकली मुकाबले शहीदियों का दौर आता है, तो साढ़े कोल सब तो पहली जी खबर आती है वह है सन 1988 की। 1988 की 23 जून मलकीयत सिंह उर्फ बापू ते करनैल सिंह पाजिया शहीद किया गया, शहीद हो गए। होया इस तरह सेगा भी खालिस्तान कमांडो फोर्स का जरनैल जिहड़ा मलकीयत सिंह उर्फ बापू जिहड़ा है वह खालसा कल जलंधर में पुलिस के घेरे च आ गया। उन्होंने पता लग गया कि हम पुलिस ने मैं पछाण लिया थे, एक गिरफ़्तार करने तो बाद मैं तशद्दुद करके थे नकली मुकाबले कत्ल कर देंगे। उसके को पोटाशियम साइनाइड का कैप्सूल से उसने खा लिया और पुलिस के जुलम तो बचने वास्ते वो टॉर्चर न शहीद होने तो वह बच गया। इस तो बाद साढ़े कोल करनैल सिंह पाजिया कपूरथला की खबर है, इसे दिन ही 23 जून 1988 के दिन पुलिस ने करनैल सिंह पाजिया कपूरथला एक नकली मुकाबले शहीद कर दिता।
1990 की 23 जून की साढ़े को खबर है कि मेजर बलदेव सिंह घूमन पुलिस कैटा ने शहीद कर दिता। मेजर बलदेव सिंह घूमन जोड़े आ एक सबका फौजी जरनैल सन जो कि 1962-1975 दिन तिना जंगा बाढ़ चाइना के खिलाफ से 1965 की पाकिस्तान के नाल जी जंग हुई है वो उन्होंने बड़े बहादरी के जोहर दिखाए थे। उन्होंने इस करके पुलिस कैटा ने मारिया क्योंकि उन्होंने घर में मनबीर सिंह झेड़ू आके ठहरिया करता सी, होर भी खड़कू ठहरिया करते सन, तो उन्होंने घर में ही मनबीर सिंह झेड़ू गिरफ्तार किया गया। इस करके पुलिस जी केपी गिल इजहार आलम जी वाइफ पत्नी बाद बादल ने MLA बना के इतने पार्लीमेंट्री सैकटरी मिनिस्टर का दर्जा भी दिता, तो इजहार आलम विरक और केपी गिल इन तिना सुमेध सैनी इन चार ने अपनी अपनी नकली सेना बनाई हुई सन और ये जे सन इन्होंने कालिया भेडा सन तो उन्होंने पुलिस कैटा किया जाता सी। इन्ह ने आके भाई मेजर बलदेव सिंह घूमन शहीद कर दिता। 1994 की 23 जून की घटना है दिल्ली में गुरुद्वारा मजनू टिड्डा, मजनू टिड्डा में कमेटी ने अपने मुलाजमों वास्ते कुछ क्वार्टर बनाए हुए सन, उन्होंने क्वार्टर जोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल वाले हाउसिंग बोर्ड ने बुलडोजर लिया के ढा दिता। इस करके ढाया भी भारतीय जनता पार्टी जी है वह एक फिरका प्रस्त पार्टी सी, तो चाहती सी भी सिखा किसी ना किसी बहाने तंग किया जाए, तो ये उन्होंने जो ढाया तो इसके खिलाफ बड़ा जबरदस्त रोह लोगों में आया। एक घटना 23 जून 1994 के दिन की है, ये सन 23 जून दिया सिख हिस्ट्री दिया कुछ घटनावां जिन्हों का मैं थोड़ा जिक्र किया है। शुक्रिया।